नेट कॉलेज के कॉमन रूम में शुरू होने वाले टेबल टेनिस के समर कैंप में इब्तदाई तौर पर 10 खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं, जिन्हें कोच इरफानुल्लाह खान तरबियत दे रहे हैं। कैंप के इब्तदाई मरहले में खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मैच प्रैक्टिस के लिए बेहतर हिकमत अमली भी सिखाई जाएगी। कैंप के आगाज में कोच इरफानुल्लाह खान ने खिलाड़ियों की शॉट सिलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए खसूसी मशकें कराई, जिसमें खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्म किया, जबकि तेज खेलने के लिए भी खसूसी सेशन किया गया। कोच इरफानुल्लाह खान के मुताबिक कैंप में खवातीन खिलाड़ी सख्त ट्रेनिंग के मरहले से गुजर रही हैं और इनमें आगे बढ़ने का भरपूर जज्बा है। तो समर में ज़्यादा टाइम होता है लड़कियों के पास, तो फिजिकल ट्रेनिंग बेहतर हो सकती है, उनकी कंडीशनिंग करनी होती है, थोड़ा सा समझाना होता है, जिसमें जो नई प्लेयर्स हैं उनमें जो गलतियाँ हैं उनको दूर किया जाता है। और इसी वजह से आप देखें कि लास्ट टाइम भी ये जो कैंप्स की वजह से सारे टाइटल जो थे चीफ मिनिस्टर कप के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के, वो इसी कैंप की लड़कियाँ जीती हैं। टेबल टेनिस सीखने में मसरूफ खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो यहाँ मेहनत करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल करने में कामयाब रहेंगी। तहम उन्होंने मुतालबा किया कि इवेंट की तादाद को बढ़ाया जाए। फर्स्ट टाइम मैं इस कॉलेज में आई हूँ और कैंप ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी बॉडी के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है गेम्स, और हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम गेम खेलेंगे तो हम फिट रहेंगे, हमारा माइंड और हमारी बॉडी फिट रहेगी। कैंप ज्वाइन कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ से जब ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद आगे मुझे मैचेस खेलने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी गेम को और इम्प्रूव करूँ, ताकि मैं और नेशनल पे मैचेस भी खेलूँ। टेबल टेनिस समर कैंप में खिलाड़ी सुबह 11 से 3 बजे तक खेल के रमूज सीखेंगे, जबकि जिम और फिजिकल ट्रेनिंग भी खिलाड़ियों के लिए लाजमी करार दी गई है। कैमरामैन अदनान अली के साथ एजाज वसीम बाखरी, सिटी 42।